मुझे विश्वास है कि अब तक श्री विधि से सरसों के लिए बताई गई सारी बातों को आपने अच्छे से समझा होगा एवं उसे अपनाया भी होगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे सरसों की खेती में सिंचाई का प्रबंधन एवं कीट तथा रोग नियंत्रण के बारे में। खेत में नमी कम होने से 2-3 बार सिंचाई करना चाहिए। सरसों में पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई जब दाना भर जाएगा उस समय किया जाता है और जीवामृत डालकर ही सिंचाई करना चाहिए। हमें अच्छा उपज तभी मिलेगा जब हम इसे रोग और कीड़ा से बचाएंगे। सरसों का फसल को कीड़ा से बचाने के लिए पौधा निकलने के बाद हर 10 दिन के अंतराल में हम नीमास्त्र को छिड़काव करेंगे। जरूरत पड़ने पर अग्निस्त्र और ब्रह्मास्त्र को भी छिड़काव किया जाएगा। और सरसों में रोग से बचने के लिए खट्टा मट्टा घोल डालेंगे या तो गोबर हींग घोल दवा छिड़काव करेंगे। सरसों के फसल की सिंचाई तथा कीट एवं रोग प्रबंधन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब सरसों का फसल 75% फली पीला या सुनहली हो जाए तब हम इसे कटाई कर सकते हैं। समझौता नहीं करने वाली बातें। पहली, सरसों की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के समय तथा दूसरी सिंचाई फलियों में दाने भरने की अवस्था में करना चाहिए। दूसरी सिंचाई के साथ या हर 15 दिन पर 100 से 150 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर दें। तीसरी, फसल में कीट नियंत्रण हेतु निमास्त्र ब्रह्मास्त्र अग्न्यास्त्र का छिड़काव बारी बारी से करें। चौथी, रोग नियंत्रण के लिए खट्टा मट्ठा घोल या गोबर हींग दवा का छिड़काव कर प्रयोग करें। पांचवी, खेत में जब लगभग 75% फलियां पीली हो जाएं तो फसल की कटाई करें। अगर हम सरसों की खेती के बताए गए सभी नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छी उपज मिलेगी। हमें आशा है कि आप सब विधि पूर्वक सरसों की खेती करेंगे और अच्छी उपज और आमदनी पाएंगे।